क्या कर मिकी? किस लिए है तलोर? स्नेहा मैं तुम्हें तंग करने नहीं आया, जा रहा हूँ। लेकिन जाने से पहले करण, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेके आया हूँ। कोई तुम्हें विश करना चाहता है। चांदनी, आने को तैयारी नहीं थी, बहुत मनाने के बाद आई है। क्यों, कैसा लगा आपने ये एंगेजमेंट गिफ्ट? पता ना करण, चुप क्यों है? क्या सोच रहा है, कोई नया प्लान, कोई नई प्लानिंग? वैसे कमाल की प्लानिंग करता है स्नेहा। अरे अपने होने वाली बीवी से तो झूठ मत बोल, कितना भरोसा करती है तुझ पे। बोलना, चुप क्यों है? स्नेहा ये नहीं बताएगा, लगता है शर्मा रहा है। मैं ही बताता हूं। हाँ किया है मैंने। किया है और कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि मैं प्यार करता हूं इससे, न जाने कब से बहुत प्यार करता हूं इससे। और सॉरी, तू क्या लगा तुझे अपने कूल एटीट्यूड के सताएगा और इसको ले जाएगा? कितना समझाने की कोशिश की, लेकिन और स्नेहा तुम्हें तो समझना चाहिए था ना, मरे की मेरी भूल की, तुम्हें कभी बता नहीं पाया, कभी कभी कह नहीं, लेकिन तुम क्यों नहीं समझी? एक्चुअली तुम दोनों ने मेरी कभी परवाह ही नहीं की, हमेशा अपने बारे में सोचते रहे। अरे तो मैं क्यों सोचता तुम्हारे बारे में? उस दिन रात को जब मैंने तुम दोनों को साथ में देखा, तो मैंने फैसला कर लिया था कि तुझे उठा के अपनी जिंदगी से बाहर फेंक दूंगा। प्यार ओवरनाइट नहीं होता विक्की, अपने 3 साल के इंतजार को कैसे बर्बाद होने देता। उसी दिन एग्जीबिशनिस्ट को मैंने ही फोन करवाया था, चांदी का बोलकर तुझे सेटअप भी मैंने ही करवाया था विक्की, ताकि स्नेहा तुझे उस हालत में देख पाती। फोन मिला तो स्नेहा को परेशान भी मैंने ही किया। ड्रग्स तेरे पास है, मैं जानता था। इसीलिए पुलिस को फोन किया, तुझे जेल भिजवाया और स्नेहा को अपने करीब लाया। उसे वो सब बोल सका जो उसे कभी नहीं बोल सका, कभी नहीं बोल सका। हाउ कुड यू? तो मेरे दोस्त थे, सबसे अच्छे दोस्त। तुमने क्यों करण? हाउ कुड यू बी सो सेल्फिश? मजाक बना दिया मेरी जिंदगी का। मैंने क्या गलती की थी? देखा साले, तू आया तो प्रॉब्लम शुरू हो गया ना। क्यों किया करण? ठीक है, मैं इतना ही बुरा हूं ना। मैं इतना बुरा हूं तो तुम दोनों की जिंदगी से चले जाता हूं।